आइए देखते हैं बॉलीवुड की कुछ खास खबरें। टीना खान ने भयंकर ट्रोलिंग के बाद हेटर्स पर साधा निशाना, कहा मैं कोई साधु नहीं। सबा आजाद को साड़ी में देख धड़का ऋतिक रोशन पर। बॉक्स ऑफिस पर पिट गई राजकुमार राव की फिल्म की बस इतनी कमाई। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। टीना खान ने भयंकर ट्रोलिंग के बाद हेटर्स पर साधा निशाना, कहा मैं कोई साधु नहीं। चला टीवी सीरियल अदाकारा हिना खान ने हाल ही में अपनी मक्का मदीना की ट्रिप पर हुई भयंकर ट्रोलिंग के बाद अपनी ओर से सफाई दी है। जी अदाकारा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर अब एक लंबा नोट कर अपनी बात रखी है। टीवी सीरियल अदाकारा हिना खान हाल ही में उमरा पर पहुंची है। जी अदाकारा हिना खान अपनी मक्का मदीना की इस यात्रा की तस्वीरें फैंस को लगातार इंस्टाग्राम पर शेयर कर रही है। अब हाल ही में अदाकारा हिना खान ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है। इन तस्वीरों में अदाकारा मस्जिद के अंदर पोज करती दिख रही थी, जिस पर लोगों ने अदाकारा हिना खान को खूब खरी खोटी सुनाई थी। अदाकारा हिना खान की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। आलम ये हुआ कि अदाकारा को अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट सेक्शन की को ऑफ तक करना पड़ गया था। जिया अब अदाकारा ने हेटर्स को अपनी दूसरी पोस्ट से कराया रद्द जवाब दिया है। जिया अदाकारा हिना खान ने इंस्टाग्राम पर ट्रिप पर हुई भयंकर ट्रोलिंग के बाद अपनी ओर से सफाई दी है। अदाकारा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर अब एक लंबा नोट कर अपनी बात रखी है। जिया अदाकारा ने कमेंट कर लिखा, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये हो रहा है। ठीक है, आप लोगों को बता दूं, जब मैंने घर छोड़ा तो मैंने 1.5 दिन में 3 उमरा करने का फैसला किया, जो व्यावहारिक और शारीरिक रूप से संभव नहीं था। जी हाँ, मैंने गलत अनुमान लगाया, गलत गणना की। मैं भी रमज़ान के पवित्र महीने में उमरा करने के लिए मुझे पहले मदीना और फिर मक्का करने का एहसास नहीं था, मैंने बिल्कुल उल्टा किया। हालांकि कोई शिकायत नहीं है, मैंने वास्तव में मदीना शरीफ में अपने समय और रोज़े को आनंद लिया, लेकिन कहीं गहरे में मैं था संतोष नहीं। जी हाँ, और थोड़ा सा दुख की बात है कि मेरा एक उमरा रह गया। हिना खान की ये पोस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। जी हाँ, सबा आजाद को साड़ी में देख धड़का ऋतिक रोशन का दिल, गर्लफ्रेंड की तस्वीरों पर किया कमेंट। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन ने अपनी कथित गर्लफ्रेंड सबा आजाद को साड़ी वाली तस्वीर पर रिएक्शन दिया है। आइए जानते हैं कि ऋतिक रोशन ने क्या लिखा है। जी हाँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए दिन ऋतिक रोशन और सबा आजाद के अफेयर की खबरें सामने आती रहती है। यहाँ तक कि दोनों की शादी की खबरें भी आ चुकी है। ये दोनों भले ही एक साथ स्पॉट होते और एक दूसरे की सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट करते हैं, लेकिन अभी तक ऋतिक रोशन और सबा आजाद ने अपने रिलेशनशिप पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। फिलहाल सबा आजाद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी साड़ी वाली तस्वीरें शेयर की है, जिस पर ऋतिक रोशन ने कमेंट किया है। जी आइए देखते हैं सबा आजाद की पोस्ट पर ऋतिक रोशन ने क्या रिएक्शन किया है। जी हाँ, सबा आजाद की खूबसूरती के दीवाने हुए ऋतिक रोशन। जी हाँ, सबा आजाद ने शनिवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी 3 तस्वीरें शेयर की है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो सिल्वर साड़ी और इसी कलर का ब्लाउज पहने हुए नजर आ रही थी। सबा आजाद ने 3 तस्वीरों में अलग अलग पोज दिए हैं। सबा आजाद के खुले बाल उनकी खूबसूरती बढ़ा रही थी। वही ऋतिक रोशन अपनी कथित गर्लफ्रेंड साड़ी वाली तस्वीर पर फिदा हो गए और कमेंट कर दिया। सबा आजाद की तस्वीरों पर कमेंट करते हुए ऋतिक रोशन ने लिखा है, मिलते हैं, इसके साथ ही रेड हार्ट इमोजी बनाया है। बॉक्स ऑफिस पर पिट गई राजकुमार राव की फिल्म की बस इतनी कमाई। जी हाँ, एक्टर राजकुमार राव की फिल्म भीड़ बीते दिन सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। जी हाँ, इस फिल्म का निर्देशन अनुभव सिन्हा ने किया है। अनुभव सिन्हा को सबसे बहादुर फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है। जी हाँ, उन्होंने आर्टिकल 15 मुल्क कई अन्य फिल्मों का निर्देशन किया। जी हाँ, अनुभव की फिल्मों को अक्सर उन्हें शक्तिशाली सामाजिक संदेश के लिए सराहा जाता है। जी हाँ, ऐसे ही फिल्म है भीड़, जो पैंडेमिक के समय की मुश्किलों को दर्शाती है। जी हाँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म सिनेमा घरों में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। जी हाँ, भीड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो शुरुआती अनुमानों के मुताबिक अनुभव सिन्हा की डायरेक्टोरियल वेंचर बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन चौंकाने वाली कम संख्या में खुली है। जी हाँ, कोविड प्रेरित लॉकडाउन में दौरान प्रवासी श्रमिकों के संघर्ष को दर्शाने वाली ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में पहले दिन केवल 15 लाख रुपए की कमाई की है। जी हाँ, मोस्ट अवेटेड फिल्म 2020 में कोविड-19 संकट के दौरान लॉकडाउन उसके बाद के प्रभाव पर आधारित है। जी हाँ, अपनी मल्टी स्टार के बारे में बात करते हुए अनुभव सिन्हा ने कहा था,
वीर सबसे खतरनाक समय की कहानी है जिसमें मानवता के लिए सब कुछ बदल दिया था। फिल्म को ब्लैक एंड व्हाइट में शूट करने का मुख्य उद्देश्य ये दिखाना था कि भारत के लॉकडाउन के दौरान सामाजिक असमानता के दृश्य कैसे थे। 1947 के भारत विभाजन के दौरान लोगों ने जो कुछ झेला था उससे काफ़ी मिलता जुलता है। जी हाँ, ये कहानी उन लोगों की है जिनका जीवन एक झटके के बदल गया। उनके जीवन के रंग तब खो गए जब देश के भीतर सीमा खींची गई थी। जी हाँ, फिल्म भीड़ की बात करें तो फिल्म को ब्लैक एंड व्हाइट में शूट किया गया था। फिल्म में राजकुमार राव, भूमि पेडनेकर के अलावा दिया मिर्जा, पंकज कपूर, आशुतोष राणा, कृतिका कामरा, कुमुद मिश्रा भी मुख्य अभिमुखाम है। जी हाँ, फिल्म में भूमि एक डॉक्टर की भूमिका में नजर आएगी जबकि राव एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाते नजर आएगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ की ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंक ट्विटर हाईकोक फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। नमस्कार।